नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी की टेस्ट कॉपी का 7वें का बी पार्ट लेकर आए हैं। ये दृष्टि टेस्ट सीरीज का आंसर है, तो आइए देखते हैं ये आंसर क्या है। कि प्रतिस्पर्धा सामान्यतः व्यक्ति की क्षमताओं में वृद्धि करती है, किंतु वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा के कारण कई नैतिक चिंताएँ उभर रही हैं। और समाधान के विकल्प सुझाइए, 150 शब्दों में लिखना है और ये 10 नंबर का है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने आंसर कैसा लिखा है। या एक IRS ऑफिसर है, तो देखते हैं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को परिश्रमी बनाकर उसकी योग्यताओं में वृद्धि करती है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है एवं उनके कार्यों की उत्कृष्टता वांछनीयता में वृद्धि करती है। परंतु यही प्रतिस्पर्धा यदि गलाकार प्रतिस्पर्धा या केवल कुछ गुणों को आधार बनाकर वांछनीयता का मापन करने लगे तो उसके बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे इन्होंने बताया है कि एक कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, परंतु बाकी सभी छात्रों में ही उत्पन्न होने वाली हीनता ग्रंथि एवं कुंठाओं का क्या मतलब। जैसे आप हम लोग भी जानते हैं कि क्लास में जिसकी क्या रैंक रहती थी और फर्स्ट आने वाले, उस दिन तो ख़राब लगता ही था। तो आइए देखते हैं इसका इन्होंने खा क्या लिखा है। केवल बुद्धिमत्ता को सफलता का पैमाना बनाया जाना उचित है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता या मूल्यों की भी भूमिका हो। और ये देखिए, इन्होंने इसमें जो है प्रतिस्पर्धा में बुद्धिमत्ता को भी, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया है। ये UPSC का ही पार्ट है। ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। गा प्रतिस्पर्धा के युग में आज साधन की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, परीक्षाओं में चलने वाली नकल। ये देखिए, इन्होंने एक और मुद्दे को भी उठाया है। IQ को महत्व देने पर केवल इन्हीं विषयों जैसे गणित विज्ञान से संबंधित छात्रों को महत्व देना, अन्य कलाओं की उपेक्षा। और भौतिकवाद एवं उपभोक्तावाद, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रतिस्पर्धा का आधार बना दिया गया है। समाधान क्या है? शिक्षा को समावेशी बनाकर विविधता लाना, मूल्य विकास पर बल दिया जाए, पिछड़े छात्रों पर अत्यधिक बल देकर उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, मानसिक सबल हेतु सभी विद्यार्थियों में मानसिक संबल हेतु सॉरी हेतु सभी विद्यार्थियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं मूल्यों का विकास जो कुंठा व हीनता ग्रंथि को कम करेगा, मानसिक तनाव प्रबंधन किया जाए और प्रतिस्पर्धा का आयाम केवल रोजगार तक सीमित ना हो, नैतिक बनने के लिए भी काम हो। तो मेरे हिसाब से इनका आंसर बहुत ही गजब का है। ये मुझे इनका आंसर बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक के सभी आंसरों में। देखिए, उन्होंने कलाकार प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया है और कुछ गुणों के आधार बनाकर वांछनीयता में अंडरलाइन किया है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एंगल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया है। तो मेरे हिसाब से इन्हें 10 में से कम 6 नंबर तो इसमें मिला ही होगा। तो दोस्तों, आपको जो है रवि सिहा जी की कॉपी का आंसर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इसकी भूमिका आप कैसे लिखते, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।